हेलो फ्रेंड्स, मैं सीमा मलकानिया। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही टूटी फ्रूटी केक। ये केक मैंने ओवन में बनाया है और ये टूटी फ्रूटी केक है। तो आइए फ्रेंड्स, इसके लिए क्या चाहिए शुरू करते हैं। फ्रूटी केक के लिए फ्रेंड्स हमें जो सामान चाहिए वो इस तरह से है। तो सबसे पहले हम इसका बैटर तैयार करेंगे और इसको मैं दही से बना रही हूँ। ये इसमें एक कटोरी दही लिया है मैंने और ये 2 कप का केक है, 2 कप मैदे का केक है। तो उसके लिए 1.5 कप चीनी है जो कि हम इस दही के बीच में ऐड करेंगे। 1 कप ऐड कर दिया मैंने और ये आधा 1.5 कप हो गया इसके बीच में। और ये 1/2 कप इसमें रिफाइंड ऑयल में डाल रही हूँ। इसकी जगह आप बटर भी डाल सकते हैं पिघला के, लेकिन बटर डालने से क्या होता है कि अगर हम केक फ्रिज में रख रहे हैं तो वो केक जो है वो हार्ड हो जाता है। तो तेल अगर डालेंगे तो वो हार्ड नहीं होगा, वो सॉफ्ट ही रहेगा। तो ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ और इसके बीच में मैं ऐड कर रही हूँ ये मिक्स फ्रूट है, मिक्स फ्रूट एसेंस है। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप वनीला एसेंस इसमें यूज़ कर सकते हैं। इसकी कुछ बूंदें जो है मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि टूटी फ्रूटी है तो इसका फ्रूट वाला जो फ्लेवर है वो बहुत अच्छा इसमें आता है। और इसके बीच में फ्रेंड्स ये 1 चम्मच जो है, 1 टीस्पून जो है वो इसमें मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ। और इसमें 1/2 टीस्पून जो है वो ये सोडा है, मीठा सोडा, खाने का सोडा जो होता है वो है, उसको ऐड कर दें। और अब हम ये सारी चीज़ें जो हैं इनको अच्छी तरह से यहाँ पे मिक्स कर लेंगे। ध्यान रहे कि यहाँ पे चीनी और दही के लम्स नहीं रहना चाहिए, बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं रहनी चाहिए। अच्छी तरह से यहाँ पर आप मिक्स कर लें। फ्रेंड्स ये अच्छे से मिक्स हो गया है, तो जो हमने यहाँ पर मैदा लिया है उसको अब हम इसमें डालेंगे। लेकिन मैदे को फ्रेंड्स हम छान के इसमें डालेंगे। तो मैंने एक ये स्ट्रेनर ले लिया है और इसमें 2 कप मैदा जो है वो मैं ऐड करूँगी और इसको अच्छी तरह से हम छान के लेंगे। अब हम इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। वैसे तो ये जितना इसमें लिक्विड बना है इसमें ही अच्छी तरह से ये हो जाएगा, लेकिन अगर ज़रूरत पड़ी तो इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करेंगे हम। इसको भी अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहें। अब फ्रेंड्स ये थोड़ा सा गाढ़ा है तो इसमें हम थोड़ा सा दूध जो है वो ऐड करेंगे। अब इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अभी देखिए फ्रेंड्स हमारा बैटर जो है वो इस तरह से होना चाहिए, इस तरह से इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो ऐसी होनी चाहिए। अभी बिल्कुल सही हो चुका है। तो फ्रेंड्स अब ली है मैंने यहाँ पे टूटी फ्रूटी, 2 कलर की टूटी फ्रूटी है मेरे पास। तो इसको हम ऐसे डायरेक्ट इसमें ऐड नहीं करेंगे, इसमें डालेंगे हम थोड़ा सूखा मैदा। ये मैदा हम इसलिए डाल रहे हैं ताकि जो हमारी टूटी फ्रूटी है वो अच्छी तरह से इसमें मिक्स रहे। अगर हम मैदा नहीं इसमें ऐड करते हैं तो जो ये टूटी फ्रूटी है वो सारी नीचे बैठ जाती है और अलग अलग जगह जगह पे नहीं जाती है। तो जहाँ अगर मैदा डाल देते हैं तो जहाँ जहाँ ये मिक्स होती है ये वहीं पे ही पकेगी इसके साथ। तो अब हम इसमें इसको ऐड करेंगे मैदा डालने के बाद और इसको भी अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। फ्रेंड्स ये हमारा बैटर बिल्कुल तैयार हो गया है, अब हम इसके लिए टिन तैयार करेंगे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने एक टिन लिया है और इसको मैं अभी ऐसे ऑयल से इसको ग्रीस करूंगी अच्छी तरह से और इसके अंदर ये मैं बटर पेपर डालूंगी जो मैं इसके राउंड में ही कट कर लिया है। अगर आपके पास बटर पेपर नहीं है तो जब आप इसको ग्रीस करें, ऑयल लगाएं, उसके बाद इसमें सूखा मैदा जो है वो डस्ट कर दें और उसको इस तरीके से ऐसे थोड़ा टैप कर करके इसको चारों तरफ अपने उस सूखे मैदे को आप उसमें फैला सकते हैं। और उससे क्या होगा कि आपका केक जो है वो ईजीली इसमें से निकल जाएगा। अब ये पेपर के ऊपर भी मैं थोड़ा सा ऑयल लगा रही हूँ। अब जो बैटर है वो इसके अंदर हम शिफ्ट कर देंगे टिन के अंदर जो हमने टिन तैयार किया, और इसको अच्छी तरह से इस तरीके से टैप टैप कर देंगे ताकि ये सारे टिन में अच्छी तरह से सेट हो जाए। अब ओवन जो है फ्रेंड्स हमारा प्री हीट हो चुका है। इसको मैंने 180 डिग्री पे प्री हीट किया है 5 मिनट के लिए। तो जो हमने बैटर तैयार किया है उसको अब हम इसमें रखेंगे और इसको मैंने 30 मिनट के लिए इसमें लगाया है। जब 30 मिनट हो जाएंगे तो हम चेक कर लेंगे। कई बार 30 मिनट में भी केक जो है वो रेडी हो जाता है, तो उसके बाद चेक कर लेंगे। अगर ज़रूरत होगी तो और थोड़ा सा लगाएंगे। तो फ्रेंड्स ये लीजिए केक जो है हमारा तैयार हो गया है, इसको अब हम बाहर निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स अब हम इसको टूथपिक डाल के चेक करेंगे।
देखिए फ्रेंड्स, बिल्कुल टूथपिक जो है वो साफ निकल के आई है, तो इसका मतलब हमारा केक जो है बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसमें ये मैंने 30 मिनट लगाए थे, इसमें 30 मिनट में ही बिल्कुल रेडी हो गया है। और फ्रेंड्स, आप इस केक को कढ़ाई या कुकर में भी या पतीले में भी बना सकते हैं गैस पे, बहुत इजी है। मैंने पहले भी इसकी रेसिपी अपने चैनल पे आपके लिए डाली थी, तो आप वो देख सकते हैं। उसमें आप कढ़ाई में थोड़ा सा नमक डालिए और उसमें एक जाली स्टैंड रख दीजिए, जो पतीले रखने वाला स्टैंड होता है, और उस प्री हीट कर लीजिए आप कढ़ाई को। और उसमें सेम इसी तरीके से इसी ऐसे ही टिन में या जो भी आपके पास एल्युमिनियम का कोई भी बर्तन हो, उसमें आप इसको रख के इसी तरह पका सकते हैं। अब फ्रेंड्स, ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा, उसके बाद हम इसको टिन से निकालेंगे। एकदम गरम गरम नहीं निकालेंगे, क्योंकि गरम केक जो होता है वो टूट सकता है। तो फ्रेंड्स, अब ये ठंडा हो गया है, तो इसको ऐसे इस तरीके से हम चाकू से इसको चारों तरफ से ऐसे निकाल लेंगे और इसको डीमोल्ड करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको निकाल दिया है, और ये देखिए मैं इसका नीचे की साइड से भी कितने अच्छे से ये पक चुका है। और अब हम इसका जो जो हमने इसमें पेपर लगाया था उसको ऐसे निकाल देंगे। और इसको इस तरीके से पलटा देंगे। अब हम इसको कट करके देखेंगे। इसको फ्रेंड्स, अब आप पीस पीस बना के अपना किसी भी बॉक्स में अब आप इसको रख सकते हैं।